So this is the particle in this region. There's magnetic field in this region. ठीक है, B naught. अगर मैंने एक पार्टिकल है जिसको V naught रफ्तार दिया है, ठीक है, और इसका चार्ज कितना है, चार्ज पार्टिकल का Q एंड मास m. ठीक है, तो आपको निकालना है, फाइंड आउट द टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल या टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड. क्या निकालना है, फाइंड आउट द टाइम स्पेंड, फाइंड आउट द टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड. टाइम स्पेंड इन द पार्टिकल, टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बोलो. हमें पता है कि ये जब यहां से चलना शुरू करेगा तो V क्रॉस P से इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर. जब इनिशियली फोर्स यहां पे लगेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पे ही सेंटर होगा इसका, ठीक है, और यहां पे सेंटर होगा. देखो जब भी आपको सेंटर की लाइन चाहिए कि सेंटर किस लाइन में होगा, तो इनिशियली पार्टिकल जहां से भी स्टार्ट हो रहा है ना, मान लो ये वी नॉट है, वी नॉट है वेलोसिटी की डायरेक्शन, और इस पर जो इनिशियल फोर्स लगेगा, इनिशियल फोर्स की डायरेक्शन यहां होगी, क्योंकि बाद में फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. जब पार्टिकल घूम जाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन भी घूम जाएगी, ठीक है. तो यहां क्या करेंगे आप कि इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इनिशियली ये देख लो कि यहां पे इस लाइन पे कहीं क्या होगा, इसका सर्कल मतलब इस लाइन पे ही सेंटर हो जाएगा. तो ऐसे हमको पता है क्योंकि फोर्स किससे पास करेगा, इसके जो सर्कल बनाएगा उसके सेंटर से पास करेगा, ठीक है. अब देखिए जब ये सर्कल बनाते हुए ऐसे 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 जब यहां तक पहुंचेगा, तो यहां देख सकते हैं वो, यहां क्या देख सकते हैं, वो यहां देख सकते हैं कि पार्टिकल फिर से यहां पे ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, और सेम स्पीड से निकलेगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो चेंज नहीं करता इसकी स्पीड को, ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि जो टाइम स्पेंड किया है, मतलब ये वाला पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब एक हाफ सर्कल बनाया है, हाफ सर्कल बनाया है, मतलब यहां से यहां तक घुमा है पार्टिकल, कितना घुमा है, पाई एंगल घुमा है, और ये बेसिकली कितने एंगुलर वेलोसिटी से घूमता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये पार्टिकल घूमता है, और टी टाइम तक मान लीजिए घूमा, और इसमें ये थीटा एंगल कवर कर लिया. अगर थीटा कितना एंगल कवर किया, यहां पे मान लीजिए दिखा रहा है कि पाई एंगल किसमें स्पेंड किया इसने, पाई एंगल जो सेंटर पे बनाया है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में बनाया है इसने, ठीक है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना लिया है इसने, पाई, ठीक है, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में. तो इसको पाई के इक्वल लिख दो, और इसको ओमेगा टी के, ओमेगा क्या है बोलो, बोलो क्यू बी नॉट बाय एम इंटू टी, जैसे टाइम आपका आ जाएगा पाई एम बाय क्यू बी नॉट. आप एक और चीज देख सकते हैं कि जो टाइम आ रहा है ना वो टाइम पीरियड का हाफ आ रहा है. देखो टाइम पीरियड क्या होता है बोलो, टू पाई एम अपॉन क्यू बी होता है, ये टाइम पीरियड का हाफ टाइम आ रहा है, और वो आना भी चाहिए क्योंकि इसने हाफ सर्कल इस मैग्नेटिक फील्ड में कंप्लीट किया है, तो इसलिए टाइम पीरियड का हाफ ही आना चाहिए. हम डायरेक्टली लिख देना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमने कैसे निकाला कि मान लीजिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से जा रहा है, टी टाइम इसने ट्रेवल किया, टी टाइम तक ये ट्रेवल किया इसने, तो कितना एंगल सबटेन करेगा, किस पर, सेंटर पर, तो मान लीजिए थीटा. तो हमने इस क्वेश्चन में देखा कि एंगल सबटेन हुआ है पाई, तो पाई यहां रखा, टी टाइम में मान लीजिए हुआ है वो, और क्यू बी नॉट बाई एम किसकी वैल्यू रखी, ओमेगा की, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, क्यू बी बाय एम, ठीक है. तो यहां से हमको टाइम निकालने में बड़ी आसानी हो गई, ठीक है. इफ आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, इसके लिए एक और चीज पूछी जा सकती है आपको कि इफ पार्टिकल डिविएट 180 डिग्री, क्या पूछ सकता है ये, इफ पार्टिकल डिविएशन ऑफ द पार्टिकल इज 180 डिग्री, यहां पे देख भी सकते हैं कि व्हाट इज द डिविएशन ऑफ द पार्टिकल. तो यहां पे हम कह सकते हैं कि पार्टिकल डिविएट जो हुआ है वो 180 डिग्री से हुआ है. देखो आ रहा था इधर और जब निकल रहा है वो किधर, इधर. तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम पार्टिकल को अगर डिविएट कराना है तो डिविएट भी करा सकते हैं चार्ज पार्टिकल को, ठीक है. तो यहां पे पार्टिकल का जो डिविएशन है वो कितना है, 180 डिग्री. तो डिविएशन ऑफ द पार्टिकल, डिविएशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज 180 डिग्री. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैंने डिस्कस किया है, ठीक है. लिखिए, इन दिस रीजन देयर इज मैग्नेटिक फील्ड एंड इफ द चार्ज पार्टिकल इज
of charge q, mass m and speed initial in speed v naught और थीटा एंगल पर क्या किया है इस मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया है ठीक है तो बताइए टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन दिस मैग्नेटिक फील्ड ठीक है टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल निकालना है आपको मैग्नेटिक फील्ड में टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन दिस मैग्नेटिक फील्ड ठीक है तो कैसे निकालेंगे टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन दिस मैग्नेटिक फील्ड क्या निकालना है आपको कितना टाइम स्पेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो सबसे पहले देखो कि वी नॉट इधर है तो वी क्रॉस बी से इस पर फोर्स किधर लगेगा इधर इधर आपको एफ एम मिलेगा तो या इसका मतलब इसी लाइन में कहीं क्या होगा इसका सर्कल जो बना रहा होगा उसका सेंटर होगा ठीक है और ऐसे ही कहीं से कहीं निकलेगा ठीक है ऐसे ही कहीं से ये निकल जाएगा ठीक है और ये हमें पता है क्या पता है कि ये जो निकलेगा वो भी कुछ ऐसे निकल जाएगा ठीक है तो अगर हम बात करें कि ये एंगल जो निकलने का होगा वो क्या होगा तो वो थीटा ही होगा क्योंकि हम देख सकते हैं सिमेट्री से बोल सकते हैं ये बात ठीक है सिमेट्री से बोल सकते हैं कि जो निकलेगा वो भी कितने एंगल से थीटा एंगल से निकलेगा तो अब देखिए अगर मैं देखूं कि इसने जो मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल किया है वो इतना ट्रेवल किया है तो अगर मैं देखूं कि कितना एंगल ट्रेवल किया है मतलब कितना एंगल इसने सेंटर पर सबटेन किया है तो वो मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से ये देखो ये कितना है ये अपना है थीटा ठीक है ये थीटा है तो मैं ये कह सकता हूँ ये कितना 90 माइनस थीटा ये 90 माइनस थीटा तो ये मैं बोल लो कितना बोल सकता हूँ थीटा और ये थीटा तो ये कितना बोल सकता हूँ 90 माइनस थीटा ठीक है ऐसे ही मैं ये वाले एंगल को भी क्या बोल सकता हूँ 90 माइनस थीटा तो टोटल एंगल कितना सबटेन किया इसने 180 माइनस 2 थीटा एंगल सबटेन किया ठीक है और इसको किसके इक्वल रख दूंगा मैं ओमेगा टी के तो टी हमारा मिल जाएगा 180 माइनस 2 थीटा अपॉन ओमेगा ठीक है और ओमेगा हमको पता है क्या है 180 माइनस 2 थीटा अपॉन ओमेगा इज क्यू बी अपॉन एम ठीक है तो ऐसे हम टाइम निकाल सकते हैं अगर मैंने सेकंड पार्ट इसका पूछ लिया सेकंड पार्ट फाइंड आउट द डेविएशन ऑफ द पार्टिकल क्या पूछा फाइंड आउट द डेविएशन ऑफ द पार्टिकल सेकंड पार्ट फाइंड आउट द डेविएशन ऑफ द पार्टिकल ठीक है फाइंड आउट द डेविएशन ऑफ द पार्टिकल तो क्या डेविएशन कैसे निकालेंगे इसका डेविएशन कितना हो गया देखो जाना किधर चाहिए था ये इधर जाना चाहिए था ठीक है और लेकिन गया कैसे इधर मतलब अगर देखा जाए तो इस वर्टिकल लाइन से कितना एंगल बना के निकला है 90 माइनस थीटा देखना इस वर्टिकल लाइन से अगर देखा जाए यहां पे समझाता हूं मान लीजिए एक वर्टिकल लाइन है यहां से ऐसे ये गया था थीटा एंगल पर और जो निकला है वो कैसे निकला है ऐसे निकला है कितना एंगल बना के यहां से 90 माइनस थीटा बना के समझे मतलब डिविएशन जो हुआ है इस पार्टिकल का वो कितना हुआ है बोलो ये वाला एंगल से डिविएट हो गया है ठीक है तो ये डिविएशन हुआ है वो कितना हुआ है 180 माइनस 2 थीटा क्यों क्योंकि ये एंगल भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा तो जो डिविएशन हुआ है इस पार्टिकल का वो कितना हुआ है 180 माइनस 2 थीटा तो 180 माइनस 2 थीटा इज द डिविएशन ऑफ दिस पार्टिकल ठीक है सो लिखिए ऐसे हम डिविएशन निकाल सकते हैं तो यहां से क्या लिख सकते हैं इसको सबको लिखना पड़ेगा हमको रेडियन में तो पाई माइनस 2 थीटा इंटू एम अपॉन क्यू बी ठीक है लिखिए ये रेडियन में लिखना पड़ेगा ध्यान रहे ठीक है टाइम निकालना है क्योंकि ओमेगा की वैल्यू भी क्या आएगी उसी के अकॉर्डिंग आएगी ठीक है लिखिए रेडियन पर सेकंड लिखो एंड वी नॉट वेलोसिटी ठीक है इससे इस पार्टिकल को यहाँ पे अंदर प्रोजेक्ट किया गया है तो अब आपको निकालना है फाइंड आउट द टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेकेंड पार्ट इज द नेट डिविएशन ऑफ दिस पार्टिकल ठीक है तो फर्स्ट पार्ट देखिए
या मैं क्लियर पता है कि कुछ इस पर इनिशियल फोर्स इधर लगेगा एफ एम, सॉरी इसका चार्ज ले लो माइनस क्यू, क्या ले लो माइनस क्यू इसका चार्ज ले लो, ठीक है माइनस क्यू क्या ले लिया आपने चार्ज इसका ले लिया, माइनस क्यू चार्ज है और क्या है मैग्नेटिक फील्ड क्या है अंदर है, ठीक है। और इसमें हमें निकालना क्या है कि फाइंड द टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेकंड वन इज डिविएशन ऑफ द पार्टिकल। तो देख सकते हैं आप कि v क्रॉस b किधर है इधर, बट माइनस q की वजह से फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी इस डायरेक्शन में। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सेंटर कहीं यहाँ होगा उस सर्कल का जो सर्कल ये बनाने वाला है, ठीक है। अगर देखा हमने तो इस सर्कल तो हम कह सकते हैं ये कुछ ऐसे बनेगा और यहां से कुछ ऐसे निकल जाएगा, कोई शक? तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या होगा 90 माइनस थीटा, और ये भी क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो हम कह सकते हैं ये थीटा, ठीक है, और ये थीटा तो हम क्लियर कट बोल सकते हैं ये 90 माइनस थीटा, और या फिर हम बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल थीटा, ठीक है। सो इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। अब इसके लिए जो टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसने जो सेंटर है उस पर कितना एंगल सबटेन किया है, ये एंगल सबटेन किया है, अरे इतना ही तो ट्रेवल किया है ना, तो ये एंगल इसने क्या किया है सबटेन किया, मान लीजिए थीटा है, सॉरी मान लीजिए कुछ अल्फा, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई माइनस ये एंगल, 2 पाई माइनस ये एंगल, और ये एंगल कितना है, ये एंगल है पाई माइनस 2 थीटा, तो हम कह सकते हैं दिस इज पाई प्लस 2 थीटा, तो अल्फा हो गया पाई प्लस 2 थीटा, और अल्फा जितना एंगल इसने सबटेन किया है उस एंगल को किसके इक्वल लिखता हूँ मेगा टी के इक्वल, तो हमको क्या मिल जाएगा टी की वैल्यू मिल जाएगा, तो टी इक्वल टू मिल जाएगा आपको पाई प्लस 2 थीटा, पाई प्लस 2 थीटा अपॉन ओमेगा। यहाँ से हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू पाई प्लस 2 थीटा अपॉन क्यू बी एंड दिस इज एम, दिस इज अ टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। एंड इफ आई टॉक अबाउट द डिविएशन, तो डिविएशन के बारे में देखिए, मान लीजिए पार्टिकल ऐसे एंटर किया था थीटा एंगल पर, और जब निकला है पार्टिकल तो कैसे निकला है, ऐसे कुछ निकला है, और यहाँ से कितने एंगल पर थीटा एंगल पर, तो ये क्या है पार्टिकल का, सॉरी ये क्या पार्टिकल का डिविएशन, और ये डिविएशन किधर है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डिविएशन है जो कि कितना है बोलो, ये 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा मतलब पाई माइनस 2 थीटा इज द डिविएशन, डिविएशन को मैंने मान लीजिए डेल्टा से बोल दिया, दिस इज डिविएशन, और ये किधर है बोलो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डिविएशन कितना पाई माइनस 2 थीटा, अगर क्लॉकवाइज की बात करूंगा तो क्लॉकवाइज ये डिविएशन हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिए वो हो जाएगा पाई प्लस 2 थीटा, ठीक है, तो डिविएशन क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये, और क्लॉकवाइज की बात करूं तो पाई प्लस 2 थीटा व्हिच इज क्लॉकवाइज, डिविएशन का मतलब मोड़ना, डिविएशन का मतलब मोड़ना, ठीक है, लिखिए दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन, ठीक है, और यहां से क्या एक पार्टिकल को ऐसे वी नॉट रफ्तार दिया है, और ये थिकनेस है आपकी टी, कितनी है टी, और इसका मास और चार्ज है क्यू एंड एम, ठीक है, आपको दे रखा है कि टी जो है वो लेस देन एम वी नॉट अपॉन क्यू बी है, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एम वी नॉट अपॉन क्यू बी ये क्या होता है रेडियस, रेडियस होती है ना, तो बेसिकली टी क्या दे रखी है आपको लेस देन रेडियस दे रखी, और अब आपको पूछा है कि फाइंड आउट द डिविएशन नेट डिविएशन, ठीक है, क्या बता पूछना है आपको फाइंड आउट द नेट डिविएशन ऑफ द पार्टिकल, नेट डिविएशन ऑफ द पार्टिकल, देखिए अगर हम यहां कहें
सुनना कि टी की वैल्यू ग्रेटर देन आर है, टी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन आर होगी तो पार्टिकल क्या करेगा बताइए, टी की वैल्यू ग्रेटर देन आर है तो पार्टिकल ऐसे जाएगा और ऐसे बना के ऐसे लौट आएगा, तो नेट डिविएशन क्या हो जाएगा पाई, समझ आ रही है, पाई नेट डिविएशन हो जाएगा इस केस में, तो पाई नेट डिविएशन हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है अगर टी की वैल्यू ग्रेटर देन आर है तो, क्योंकि हमें पता है ये चीज। और दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है कि ये जो टी की वैल्यू है वो क्या है, वी टी की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन आर, ठीक है, तो क्या होगा पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा और यहां से ऐसे निकल जाएगा, समझे, और हमें पता है इसको अगर निकालना है कि दो चीजें अगर निकालनी हो यहां पे कि बताइए नेट डिविएशन और टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, तो पहले हम नेट डिविएशन की बात कर लेते हैं। तो नेट डिविएशन की अगर बात करें तो हमें पता है कि इस पे शुरुआत जबकि होगी तो फोर्स इधर लग रहा होगा, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, तो हमें पता है कि सेंटर इसका जो होगा वो कहीं ना कहीं यहीं होगा, और जब सेंटर यहां पे होगा तो हम कह सकते हैं कि ये कितनी आर और ये वाली डिस्टेंस कितनी, ये भी आर, ठीक है, और ये जो आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है टी, समझे, ये आपको क्या दे रखी है टी दे रखी है। तो अब अगर मैं बात करूं ध्यान से समझो, ये अगर मुझे थीटा मिल जाए तो मुझे पता लग जाएगा थीटा ही क्या है, डिविएशन है इसका, क्योंकि देखो शुरुआत में अगर ये वर्टिकल लाइन से देखें तो शुरुआत में ये इधर आ रहा था और जब इससे निकल रहा है तो कैसे निकल रहा है ऐसे, इसका मतलब ये क्या हो गया डिविएशन, सो दिस इज द डिविएशन, दिस इज द डिविएशन जो कि किधर है एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, ओके। तो अब थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाए, वही निकालने के लिए मैं देखो क्या कर रहा हूं, अगर ये थीटा है तो मैं कह सकता हूं ये क्या है 90 है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है तो इससे कह सकता हूं कि मैं ये क्या है थीटा, ठीक है, तो यहां से सीधा हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो क्या है टी और ये क्या है आर है, तो हम यहां से सिंपली बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो टी बाई आर। तो नेट डिविएशन की बात की जाए तो ये टी क्या है थिकनेस, टी को मान लीजिए आप डी मान लीजिए, क्या मान लीजिए डी, डी क्या है इसकी थिकनेस, ठीक है, टी को मैं डी से रिप्लेस कर रहा हूं, डी क्या है मैग्नेटिक फील्ड की थिकनेस, मैग्नेटिक फील्ड की थिकनेस डी, ठीक है, कोई शक डी है, टी नहीं मैंने डी मान लिया, ठीक है। अब मुझे बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस डी बाय आर, तो साइन थीटा यहां से आ गया, इसका मतलब जो थीटा है वो क्या है साइन इनवर्स डी बाय आर, हमें डी भी पता होगा और आर भी पता होगा, देन वी कैन फाइंड द थीटा, क्योंकि आर तो हमें सिंपल पता है, आर क्या होता है एम वी नॉट अपॉन क्यू बी, और हमको सब कुछ दे रखा है इस पार्टिकल के बारे में, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट वन मोर थिंग विच इज कि टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन दिस रीजन, क्या निकालना है मुझे टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल, तो कितना होगा टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल बोलो, सिंपल ये आप देख सकते हैं किसने, इस कर्व ने कितना एंगल सबटेन किया यहां पर थीटा, और जो थीटा एंगल सबटेन किया है इसको मैं क्या लिख दूं ओमेगा इनटू टी के इक्वल, और थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है साइन इनवर्स डी बाय आर और अपॉन क्या ओमेगा, ये क्या हो जाएगी आपकी टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल, और ओमेगा आपको पता है, ओमेगा बोलो क्या है, ओमेगा इज क्यू बी बाय एम, और आर क्या है आपको पता ही है एम वी नॉट अपॉन क्यू बी, सो यू कैन फाइंड द टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल, लिखिए। तो ये इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है बेसिकली, ये चार्ज पार्टिकल को क्या करती है वेलोसिटी प्रोवाइड करती है, ये मान लो एक स्पीड प्रोवाइड करती है, एक एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है,
या फिर बोला है चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करती है, ठीक है। जब भी जैसे कि मान लीजिए चाहिए चार्ज पार्टिकल, ऐसे कह दिया कि हमको चार्ज पार्टिकल चाहिए वी नॉट रफ्तार का, तो ये क्या प्रोवाइड करती है, एक एक्सेलरेटेड मतलब एक वेलोसिटी के साथ एक चार्ज पार्टिकल प्रोवाइड करती है बेसिकली, और कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन गन मतलब इसका काम है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना, मतलब चार्ज प्रोवाइड करना, बट कैसा चार्ज प्रोवाइड करना, स्पीड के साथ चार्ज प्रोवाइड करना, समझ आ रही है, काइनेटिक एनर्जी के साथ चार्ज प्रोवाइड करना, जिससे कि कहीं पे मान लो चार्ज पार्टिकल की जरूरत पड़ रही है तो सीधा चार्ज पार्टिकल ये दे दे, और क्या डिफरेंट डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के चार्ज पार्टिकल ये प्रोवाइड कर सके, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर सके, ठीक है। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन गन है क्या, तो देखो ये इसका जो बना ऐसा कुछ होता है, ये एक फिलामेंट लगा रहता है, और ये फिलामेंट जो लगा रहता है वो एक बैटरी के साथ लगा होता है, ये बैटरी के साथ में क्या लगा रहता है, एक फिलामेंट लगा रहता है, और मैं आपको बता दूं ये जब ये फिलामेंट कैसा होता है, मैं आपको बता दूं जब भी गर्म करते हैं, जब ये बैटरी इसको गर्म करती है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो ये क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है, और जब गर्म होने लगता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम थर्मायनिक एमिशन। सो दिस इज द सेटअप, देखो इलेक्ट्रॉन गन का ऐसा सेटअप है, ध्यान से समझिए कि देखो एक ये सर्किट लगा हुआ है जिसमें ये फिलामेंट है, और ये फिलामेंट किस बैटरी के साथ लगा हुआ है, इस बैटरी के साथ लगा हुआ है, ये फिलामेंट इस बैटरी के साथ में यहाँ पे लगा हुआ है, ये छोटी सी यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। ये फिलामेंट का काम होता है कि ये गर्म होता है, और ये गर्म होकर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ये मान लो, समझ आ रही है, ये बैटरी इस फिलामेंट को गर्म करती है, और इस गर्म होने के बाद ये एनर्जी लेने के बाद हीट होने के बाद, हीटेड होने के बाद में क्या होता है, थर्मायनिक एमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, ये मान लो टपकाता है, इलेक्ट्रॉन्स टपकाता है, समझ आ रही है, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा हो तो शायद उसमें क्या होता था, जब लाइट गिरती है किसी भी मेटल सरफेस पर तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एमिट इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गर्म होने के बाद ये क्या है, फिलामेंट गर्म हो रहा है, और तो इलेक्ट्रॉन क्या है, निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन टपक रहे हैं मान लो, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और ये क्या लगी हुई है, आपकी वी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, क्या लगी हुई है, वी वोल्ट की बैटरी, ठीक है, और ये क्या है, वी वोल्ट की आपकी बैटरी लगी है। इसकी वजह से हो गया क्या है, मान लीजिए यहाँ पोटेंशियल हो गया वी, और यहाँ पोटेंशियल हो गया जीरो, और इसकी वजह से इधर क्या हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है ई, ठीक है, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उस पर इधर फोर्स लगने लगा है, कितना, ई इंटू ई, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स करता क्या है कि यहाँ से जीरो वेलोसिटी से उठाता है, और यहाँ तक क्या दे देता है, इसको बहुत सारी एनर्जी दे देता है, और यहाँ एनर्जी के साथ में ये इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। तो वो एनर्जी क्या होती है, उसको समझने के लिए देखो कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मैंने मान लिया काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि टपक रहा है इलेक्ट्रॉन, जस्ट निकल रहा है इससे, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो वो भी जीरो है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल मैंने क्या मान लिया है, जीरो, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल। यहाँ पे बात करें तो मान लीजिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी, कुछ काइनेटिक एनर्जी जो कि हो गई कुछ हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि क्या है, माइनस ई मल्टीप्लाई बाय द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विच इज वी, ठीक है। तो ये क्या है, एनर्जी यहां पे हो गई। तो अब क्या कह सकते हैं, इसकी एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर हेयर इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ओवर हेयर, देन वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल एट दिस पॉइंट। ये क्या करती है, बस ये जो बैटरी होती है ये इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराने का काम करती है, ठीक है। एक्सेलरेट कराने का काम कैसे करती है कि अगर ये हाई वोल्टेज होगी, ये हाई वोल्टेज की बैटरी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, और फोर्स ज़्यादा होगा तो ये एक्सेलरेट ज़्यादा करेगा, देन इट विल गेन मोर एनर्जी। सो नाउ इफ आई इक्वेट दिस कि मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, देन हम कह सकते हैं
कि 0 प्लस 0 शुड बी इक्वल टू फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर प्लस माइनस ई वी. यहां पे वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, जिससे क्या है एक्सेलरेट कराया जा रहा है. ठीक है, और ये वी क्या है, स्मॉल वी, ये वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल. ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए वी क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, वी कह देंगे पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पे मत लिखो, यहां लिख लेंगे बाद में लिख लेंगे, यहां लिख लो वी इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड स्मॉल बी इज वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी. यहां से देख सकते हैं जो वी आती है आपकी, तो वी आपकी आ जाती है, ईवी इधर चला गया, तो टू ईवी अपॉन एम इसका स्क्वायर रूट. तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल. और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें चार्ज पार्टिकल की, जो गेन की, वो कितनी है, ई इंटू वी. ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी इतनी इसने क्या कर ली, गेन कर ली इस चार्ज पार्टिकल ने बाय द इलेक्ट्रॉन गन. तो क्या क्या लिख सकते हैं, दिस इज द, ये इसका मीनिंग क्या है कि एक्सेलरेटिंग ऑफ द एक्सेलरेटिंग बाय वी पोटेंशियल. ठीक है, मतलब इस चार्ज पार्टिकल को किससे एक्सेलरेट कर रहे हैं, वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर मैं अगर आपको कह दूं, जो क्वेश्चंस में आएगा वो ये आएगा, क्या आएगा मैं आपको बता दूं कि एक चार्ज पार्टिकल है उसको वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर दिया. तो जब वी पोटेंशियल से वो एक्सेलरेट करने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, ई इंटू वी. देखो अब अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा कि एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, और चार्ज पार्टिकल को वी पोटेंशियल से गुजारा, या वी पोटेंशियल डिफरेंस से क्या किया, वी पोटेंशियल से इसको एक्सेलरेट कराया, तो इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है पता, इनडायरेक्टली वो इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू जो है वो है आपकी क्यू इंटू वी, जिसको आपको हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल लिखना पड़ेगा, और वहां से आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, और वो क्या होगी, टू इंटू क्यू इंटू वी अपॉन एम. ठीक है, सो ये ध्यान रहे आपको कि जब भी आपको बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल वी, इसका मतलब क्या होगा, इट गेन्ड एनर्जी ई इंटू वी. अगर एक और चीज बोली जाए कि अगर चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू इज एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल वी, तो मीनिंग इज कि गेन्ड एनर्जी इज क्यू इंटू कैपिटल वी. सो दैट इज द मीनिंग, जो डिफरेंस जो है. अब देखो क्या है, कई सारी चीजें आ सकती हैं, एक क्वेश्चन लिख लीजिए इसी पर, लिखो. सो नाउ द क्वेश्चन इज इफ अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड इट फॉल्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, फाइंड आउट द रेडियस. तो अब क्या है, सिंपल है कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पे क्या है कि एक अल्फा पार्टिकल है, ये यहां पे फॉल कराया जाता है परपेंडिकुलरली. ठीक है, परपेंडिकुलर है क्योंकि यहां पे क्या है, बी अंदर है, बी अंदर है, और वी क्या है, वेलोसिटी यहां पे है. तो वेलोसिटी कैसे हमने जानी, क्योंकि जब वी कैपिटल वी पोटेंशियल से इसको एक्सेलरेट कराया है, इसका मतलब इसको एनर्जी कितनी मिल गई, अल्फा पार्टिकल को एनर्जी कितनी मिल गई, अल्फा पार्टिकल का चार्ज, और वो कितना होता है चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल, 2e, क्योंकि चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल इज 2e, तो हम कह सकते हैं चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय कैपिटल वी, इतनी क्या मिल गई इसको, हाफ एम वी स्क्वायर, इतनी काइनेटिक एनर्जी इसको मिल गई, इसका मतलब ये होता है. तो हम कह सकते हैं वी जो वेलोसिटी हो जाएगी पार्टिकल की, वो हो जाएगी 4e v बाय m का स्क्वायर रूट. ठीक है, और जब ये v मिल गई तो रेडियस के बारे में क्या कहेंगे, रेडियस विल बी m v naught अपॉन क्यू बी. तो m कितना है, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल लिख दीजिए, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल सेम ही लिख दो, मास m ले लिया हमने वहां पर. ठीक है, तो m ही ले लो, मल्टीप्लाई v naught, v naught कितना निकाला है हमने, स्क्वायर रूट ऑफ
4 EV upon M upon Q. Q कितना है? 2E into B. ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं रेडियस, तो अगर थोड़ा सा और कैलकुलेट करें इसको तो इट इज वी कैन से स्क्वायर रूट ऑफ एम वी अपॉन ई बी स्क्वायर, तो ऐसा कुछ क्या आ जाएगा, रेडियस आपका आ जाएगा. तो लिख लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है. जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए यहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और यहां से कुछ आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, जैसे कि आइसोटोप्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना. क्या पड़े हुए हैं, मान लीजिए आइसोटोप्स पड़े हुए हैं. आइसोटोप्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि सी कार्बन 12 कार्बन 14, ठीक है, ऐसे दो पड़े हुए हैं, कार्बन 12 कार्बन 14 ऐसे दो पड़े हुए हैं. मान लीजिए ऐसे अलग अलग टाइप के पार्टिकल पड़े हुए हैं, आइसोटोप्स पड़े हुए हैं, तो उनको अगर अलग अलग करना है तो कैसे किया जा सकता है. कि मान लीजिए सारा मिक्सचर पड़ा हुआ है आपके पास कार्बन 12 कार्बन 14, तो अब क्या होगा, यहां से वो मिक्सचर अंदर एंटर कराया जाता है, ठीक है, सेम रफ्तार V नॉट से. क्या है, यहां से वो मिक्सचर क्या है एंटर कराया जाता है सेम रफ्तार V नॉट से, ठीक है. और हमें पता है कार्बन 12 का भी मास पता है, कार्बन 12 कार्बन 14 का भी मास पता है, पता ही है हमको. तो हमें अगर रेडियस निकालनी हो तो रेडियस मास एम वी अपॉन क्यू बी से निकलती है. देखो कार्बन 12 हमको ये पता है कि इस मिक्सचर में कार्बन 12 भी है कार्बन 14 भी है, ठीक है. तो अब क्या होगा, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि अगर कार्बन 12 के लिए हमने हमको रेडियस निकालनी है, मान लीजिए किसी एक कार्बन 12 के लिए C12 के लिए अगर रेडियस निकालनी है तो C12 का मास रख देंगे, और V तो हम अपने अकॉर्डिंग दे रहे हैं सारे पार्टिकल्स को V0, तो ये भी हमें पता है, और चार्ज भी हमें पता है कार्बन 12 पर, और मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि हम ही लगा रहे हैं तो हमको भी पता है, ठीक है. तो ये रेडियस हम कार्बन 12 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं. मान लीजिए कार्बन 12 के लिए रेडियस कुछ ये आ गई, ठीक है, और कार्बन 14 के लिए मान लो रेडियस कुछ और आ गई, कार्बन 14 के लिए रेडियस कुछ और आ गई, क्योंकि वो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मास रख देंगे कार्बन 14 के कोरस्पॉन्डिंग, वी नॉट रख देंगे और चार्ज रख देंगे और क्यू रख देंगे और बी रख देंगे, तो हमें ये भी रेडियस पता है. तो हमें पता है कि अगर जो कार्बन 12 होगा मान लीजिए रेडियस कार्बन 12 के लिए है, तो कार्बन 12 यहां से निकलेगा, ठीक है, कार्बन 12 यहां से निकलेगा. क्यों, क्योंकि डबल ऑफ इट्स रेडियस, समझ आ रही है, ऐसे जाएगा और ऐसे क्या निकल जाएगा, ठीक है. बट यहां से तो क्या करते हैं कि 2R डिस्टेंस पर, मतलब 2 इंटू कार्बन 12, 2R पर यहां पे क्या एक होल कर देते हैं, ठीक है. तो होता क्या है कि कार्बन 12 इस होल से निकल आएगा, और अगर कार्बन मान लीजिए 14 के लिए मान लीजिए कुछ रेडियस ऐसे बनी, मान लीजिए मैंने जस्ट मान लिया कार्बन 14 के लिए रेडियस ऐसे बनी, और मान लीजिए डबल ऑफ इट्स रेडियस क्या हो गया ये, तो यहां पे एक होल कर देते हैं, तो इस होल से जो निकलेंगे उनको क्या बोलेंगे, ये कार्बन 14 बोल देंगे, और इस होल से जो निकलेंगे उनको क्या बोल देंगे, ये कार्बन 12 बोल देंगे. तो बेसिकली ये कहने का मतलब ये है कि ये मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है कि अगर आपके पास में आइसोटोप्स पड़े हुए हैं तो उनको अगर अलग अलग करना है तो अपन अलग अलग कर सकते हैं. देखो देख के तो हम बता नहीं सकते, हमको शकल थोड़ा ही ना पता है कि कार्बन 12 की शकल ऐसी दिखती है, हा? ऐसे थोड़ा ही ना कर सकते हैं, ठीक है. तो हमको क्या करना पड़ता है, इस तरीके से करना पड़ता है. एक सिस्टम होता है, दिस इज कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर. तो इसके द्वारा हम क्या कर लेते हैं, ये हम निकाल लेते हैं, ठीक है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है. और अगर हम बात करें कि रेडियस की, तो रेडियस हम आसानी से निकाल सकते हैं. रेडियस क्या होती है, रेडियस हमारी क्या होती है, एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है. और हमें पता है कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अगर वेलोसिटी की हम बात करें कि मान लीजिए आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है सबकी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अगर इस रेडियस को लिखना है तो लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो एम इंटू, देखो हमें पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है.
तो हम यहां से कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि m इंटू एम बी क्या होता है, मोमेंटम। तो हमें ये भी पता है क्या, पी स्क्वायर अपॉन टू एम, पी स्क्वायर अपॉन टू एम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। समझ आ रही है, पी स्क्वायर अपॉन टू एम काइनेटिक एनर्जी होता है, तो पी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर रूट। तो यहां से हम इस मोमेंटम को, मोमेंटम क्या होता है, पी, और पी की वैल्यू क्या होती है, एम इंटू वी। तो हम सीधा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी। और आपको एक चीज और दे दी गई कि मान लीजिए चार्ज पार्टिकल है और उसको v से एक्सेलरेट करा दिया गया है, किससे, v से। मान लीजिए चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल q है, इसको v पोटेंशियल डिफरेंस से क्या एक्सेलरेट करा दिया गया है, तो रेडियस क्या लिखेंगे उसके लिए, सिंपल r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, q इनटू v, ठीक है, अपॉन qb। थोड़ा सा अगर और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2m, 2m इंटू वी अपॉन क्यू इंटू बी स्क्वायर। ये सिंपल है, तो मैंने कुछ नहीं कैलकुलेशन नॉर्मली कर दी आपके लिए, आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो कभी कभी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखा मिले या लिखना पड़े तो लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि एम वी क्या है, मोमेंटम, और मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो वो लिख दिया मैंने, वो लिख दिया। अगर मैंने ये भी बोल दिया कि क्यू चार्ज पार्टिकल है, उसको वी से, वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा दिया गया, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख देंगे, क्यू इंटू कैपिटल वी। तो दिस इज द रेडियस, ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम देख सकते हैं कि रेडियस अलग अलग मासेस के लिए, अलग अलग मासेस के लिए, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का मतलब मास अलग अलग, ठीक है, उनके लिए रेडियस अलग अलग आएगी, और वो यहाँ पे मार्क करके क्या बना देते हैं, होल बना देते हैं रेडियस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जिस रेडियस, जो रेडियस किसके लिए डिसाइड की गई है, मान लीजिए कार्बन 12 के लिए, तो उसके डबल पे क्या निकल आएगा, कार्बन 12, तो इनको कलेक्ट कर लेंगे और उनको कार्बन 12 का नाम दे देंगे, और यहाँ से इनको कलेक्ट कर लेंगे और कार्बन 14 का नाम दे देंगे। तो ये क्या करता है, इट ये सेपरेट करता है दो आइसोटोप्स को, ठीक है, तो ये आइसोटोप्स को सेपरेट करने के काम आता है क्या, मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर, लिखिए